हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फोकस। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, और साथ ही में जो इस चैप्टर की इलस्ट्रेशन दी हुई है बुक में, मैंने उसको सॉल्व करके बताया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी, सेकेंड पॉइंट इज रेलेवेंस, थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट इज कंपेबिलिटी। तो आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया। जैसा कि देखिए, कोई फंक्शंस होते हैं, या कभी दिवाली में, या कभी कोई भी नेशनल फेस्टिवल, या किसी भी दिन हम लोग, मान लीजिए हम लोग एक स्वीट के शॉप पे गए, तो हम लोग शॉप पे जब बोलते हैं कि हम लोग को ये मिठाई चाहिए, या कोई भी, जैसे मान लीजिए काजू बर्फी या रसकदम, आप कोई भी मिठाई मान लीजिए खरीदने गए, तो आप उस दुकानदार को ये ज़रूर बोलते होंगे कि मिठाई फ्रेश होनी चाहिए, इसमें टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गए? कहने का मतलब हो गया कि आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, या कोई भी चीज़ है, तो किसी भी चीज़ में कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, तो उसी चीज़ को देख के आप खरीदते हैं, या कुछ उस पर आप एनालिसिस करते हैं। तो सेम जो अकाउंटेंट होते हैं, वो जो अकाउंटिंग बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनीज़ का, तो उससे भी क्या होता है, उसमें भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई रिलायबिलिटी, दूसरी रेलेवेंस, तीसरी अंडरस्टैंडेबिलिटी, चौथी कंपेबिलिटी। तो आइए मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। रिलायबिलिटी, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, वेरीफिएबल एंड नॉट बायस्ड। तो जो इंफॉर्मेशन हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, वो रिलायबल कब कहलाएगी? वो रिलायबल तब कहलाएगी जब वो मटेरियल एरर से फ्री हो, वेरीफिएबल हो एंड नॉट बायस्ड। तो कहने का मतलब हो गया कि वो जितने भी सेल्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस होती है, परचेजेस, उन सब का उनके पास रिसिप्ट होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, ताकि कभी ऑडिटर अगर चेक करने आए तो वो उसको शो कर सके कि उसने इतने साल, इस साल में इतने ट्रांजैक्शंस किए हैं, इतने के परचेज किए, इतने के सेल्स किए हैं, तभी वो वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, नॉट बायस्ड एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। नॉट बायस मतलब ये नहीं कि उसके इस साल की प्रॉफिट हुई है मान लीजिए 50,000 की, तो वो शो कर रहा है कम करके 30,000 की, ताकि क्या होगा कि जो इनकम टैक्स है वो लोग को कम लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्ट या ट्रू उसका प्रॉफिट है या लॉस है उसको वो शो करना चाहिए। और मटेरियल एरर कहने का मतलब हो गया कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हुए करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है, रूल्स दी गई है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। तो मटेरियल एरर कहने का मतलब यही हो गया कि उसको देखते हुए हम लोग को बनाना है, गलत इंफॉर्मेशन, गलत डेटा या गलत रूल्स हम लोग को शो नहीं करना है। अब दूसरा है रेलेवेंस, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल। रेलेवेंस का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज द क्वालिटी ऑफ रेलेवेंस व्हेन इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड देयर इज यूज ऑफ मटेरियल। तो देखिए, इसका मतलब हो गया कि जब भी हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, जो टाइम टू टाइम ये किसी भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते रहते हैं, ताकि उसको जो ज़रूरत है वो उससे गेन कर सके, एनालिसिस कर सके। जैसे कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन्वेस्टर हो गए, तो ये सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जानने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, वो पहले जानेंगे कि ये कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि कहीं अगर उन्होंने पैसा लगाया, अगर वो डूब गया तो उसका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसमें ये रेलेवेंस वाली क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कहने का हो गया कि जैसे छोटा मोटा खर्चा होता है कंपनीज में, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया कुछ का, या हम लोगों ने चाय पिया कितना पूरे साल में, तो ये सब क्या हो गया, ये छोटा मोटा खर्चा हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिसलेनियस एक्सपेंस नाम दे के एक अकाउंट में पूरा शो कर देते हैं। उससे क्या हो गया कि हम लोग को जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो 2-3 पेज का, मान लीजिए जितना पेज का होगा वो उतना लंबा नहीं होगा, एक कंसाइज वे में होगा छोटा, तो क्या होगा वो देखने में अच्छा लगेगा और उससे कुछ इंफॉर्मेशन भी जो यूजर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो रेलेवेंस का मतलब ये हो गया। अब तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो नाइसली और इजिली प्रेजेंटेड किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर वो पूरा इतना लेंदी होगा, अगर उसमें जैसे जो फॉर्मेट दिया हुआ है हम लोग को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो गया, जो भी फॉर्मेट होता है हम लोग उसमें भी सब कॉलम और बना के कुछ और चीज़ दिखाते गए, तो क्या होगा कि वो पूरा घिसपिट हो जाने के कारण वो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये इजी प्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो कि क्या होगा तब वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं। अब देखिए ये नहीं कि हम लोग, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इजीली प्रेजेंटेड होता है, इजी और अंडरस्टैंडेबल भी होता है, बट कभी कभी किसी यूजर्स को समझ नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी कब आएगी, एक तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इजी प्रेजेंटेड होगा, और दूसरा जो यूजर्स होते हैं उनमें भी ये क्षमता होनी चाहिए कि वो जो भी बिजनेस है उसके इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके, एनालिसिस कर सके, तभी ये अंडरस्टैंड वो कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब चौथा है कंपेबिलिटी, इंट्रा फर्म कंपेरिजन, इंटर फर्म कंपेरिजन। देखिए कंपेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है किसी कंपनीज का वो हम लोग क्यों बनाते हैं पता ही था, जैसे बताया था मैंने, जैसे टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, या टू नो अबाउट इट्स पोजीशन, मींस ये बिजनेस डाउनफॉल में अभी या प्रोग्रेस में है, ये सब जानने के लिए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, कंपेयर, तो उसमें क्या होता है कि कंपेबिलिटी वाली भी फीचर होनी चाहिए। जैसे देखिए एक हो गया इंट्रा फर्म कंपेरिजन, एक हो गया इंटर फर्म कंपेरिजन। इंट्रा फर्म का मतलब क्या हो गया कि जब बिजनेस एंटिटी मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो खुद में, मतलब वो पास्ट ईयर से ही या जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने प्रॉफिट लॉस को कंपेयर कर सके, या उसको जो कंपेयर करना है मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपेरिजन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसको कहते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। अब दूसरा देखिए इंटर फर्म कंपेरिजन, इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब हो गया कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करना, दूसरे बिजनेस कंपनीज के साथ कंपेयर करना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटर फर्म कंपेरिजन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो कंपेयर उससे हम लोग कर सके। ठीक है तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो गाइज प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड वीडियोज, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।